ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में सबसे पहली चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कि भाई इसमें कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। पेशेंट अपने कंट्रोल के जैसे ही एक्ट करते हैं। इसमें पेशेंट अपना ही कंट्रोल है। मतलब कि होता क्या है, हम इसमें कोई भी इंटरवेंशन देने के पहले एक टेस्ट करते हैं, फिर उसका स्कोर देखते हैं, फिर इंटरवेंशन देने के बाद उसका टेस्ट करते हैं, फिर उसका स्कोर देखते हैं। तो इसमें कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं है, पेशेंट अपने कंट्रोल के जैसे खुद ही एक्ट करता है। इसमें प्री टेस्ट स्कोर लेते हैं और पोस्ट टेस्ट। कोई भी हमने नई ड्रग या कोई भी नई वैक्सीन लाई है तो उसके लिए पहले उसको देख लिया हमने स्कोर कि भैया टेस्ट लगाने के पहले और टेस्ट लगाने के बाद। पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप इसमें नहीं है। उसके बाद इसकी क्लिनिक फेजेस कितनी होती हैं, तो पहली चीज़ याद रखना कि भाई दो फेजेस याद रखना, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल फेज़। अगर हम प्री क्लिनिकल फेज़ की बात करें तो इसमें हम लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जानवरों में, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्री टेस्टिंग। जैसे कोई नई कोविड-19 की वैक्सीन हमने लेके आए तो पहले रेसिस मंकीज़ पे हमने करके देखा। इनफैक्ट करके देखा भी है कि जो रेसिस मंकीज़ थे उनमें हमने कोविड-19 इंजेक्ट किया, उसके बाद फिर हमने उस जो नई वैक्सीन्स है उनको उनमें डाल के देखा, तो कुछ ही समय में उनके अंदर एंटीबॉडीज़ मिलने लगी। यानी कि हमने प्री टेस्टिंग जानवरों में करके देखी, दैट इज़ लैब एक्सपेरिमेंट हमने जानवरों में करके देखते हैं प्री क्लिनिकल फेज़ में। तो प्री क्लिनिकल फेज़ में जानवरों पर प्री टेस्टिंग की जाती है और ये होती है प्री क्लिनिकल फेज़। सेकेंड आती है क्लिनिकल फेज़। क्लिनिकल फेज़ में याद रखना कि पांच क्लिनिकल फेज़ होती हैं, लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ होती है कि ये फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। पांच क्लिनिकल फेज़ मतलब ये नहीं कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 5 नहीं है भाई साहब। फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, पाँच क्लिनिकल फेज़ हैं जो कि फेज़ 0 से शुरू होती हैं। अगर हम शुरुआत बात करें फेज़ 0 की, तो फेज़ 0 जो होते हैं हेल्दी वॉलेंटियर्स जो होते हैं, हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स, एनिमल ख़त्म प्री क्लिनिकल फेज़ में, काम ख़त्म उसका। प्री क्लिनिकल फेज़ में अच्छी कोविड-19 की वैक्सीन हम लेके आए, उसको देखा जानवरों में अच्छा कर रहा है। अब हमने ह्यूमन वॉलेंटियर्स लिए, उनमें थोड़ी थोड़ी सी डोज डाली, बहुत ही माइक्रो डोजिंग जो हम करते हैं वो 0 में करते हैं। तो कैसे याद करोगे, माइक्रो में आपको 0 दिख रहा है, माइक्रो का ओ का 0। तो माइक्रो डोजिंग हम 0, फेज़ 0 में करते हैं। तो फेज़ 0 में कुछ नहीं करना है, फेज़ 0 में हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स लिए, उनमें थोड़ी सी डोज डाल के देखी, बस इतना काम है, उससे ज़्यादा हम नहीं करते। अब अगर थोड़ा ठीक ठाक इफेक्ट होता है, कुछ खास प्रॉब्लम्स हमको देखने को नहीं मिलती हैं फेज़ 0 में, फिर हम जाते हैं फेज़ 1 में। फेज़ 1 में क्या करते हैं, फेज़ 1 में भी हम ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स लेते हैं, मगर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम माइक्रो डोजिंग की जगह मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज दे के देखते हैं। फेज़ 0 में तो हमने थोड़ी थोड़ी सी दे के देख ली, भाई ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। फिर फेज़ 1 पे आए, फेज़ 1 में हम जितना दे सकते हैं उतनी दे के देखते हैं कि भाई कितना मैक्सिमम देख सकते हैं जब तक वो सेफ़ है, या कितना हम दे सकते हैं कि भाई उसके बाद वो टॉक्सिक होने लगे, तो नॉन टॉक्सिक प्रोफाइल निकाल सकते हैं और सेफ्टी देखते हैं हम। मेन पर्पस जो होता है फेज़ 1 का वो ये होता है कि मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज कितनी है कि उस कि उतनी डोज तक हमको सेफ़ रहे और कोई टॉक्सिसिटी नहीं हो। तो फेज़ 1 हम हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स में करते हैं, सेफ्टी देखते हैं, टॉक्सिसिटी देखते हैं कि कितने में आ जाएगी, और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज हम फेज़ 1 में देते हैं। उसके बाद आती है फेज़ 2। अब याद रखना कि फेज़ 2 जो होती है ना, टू इज़ टी से क्या होता है, टी से हम देते हैं ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट किसको दिया जाता है, ट्रीटमेंट क्या हेल्दी को देते हैं, नहीं, ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को देते हैं। तो टू से टी, टी से ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हम देते हैं पेशेंट को। तो ऐसे याद रखना, क्योंकि ये वाइवा में आप कंफ्यूज होते हो कि पेशेंट्स कहाँ से आते हैं क्लिनिकल फेज़ में, तो पेशेंट शुरुआत होती है फेज़ 2 से। तो फेज़ 2 में हम क्या करते हैं, भाई हमने फेज़ 1 तक देख लिया कि मैक्सिमम इतनी डोज आप देख सकते हो जिसके बाद टॉक्सिसिटी होगी, तो इतनी डोज आप दे सकते हो, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज आपको पता चल गई। फेज़ 2 में अब हम आते हैं, फेज़ 2 में पेशेंट्स को लेते हैं, पेशेंट्स को वही मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज दे के देखते हैं, और फिर चेक करते हैं कि वो जो नई वैक्सीन या ड्रग है वो कितनी एफिशिएंट है, हम एफिकेसी देखते हैं। और यही वो फेज़ होती है जब जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको ड्रग फेलियर देखने मिलता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जितनी भी नई वैक्सीन्स होती हैं, नई ड्रग्स होती हैं, वो इस फेज़ पे आके बहुत सारी बार देखा गया है कि वो
फेल होती हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है पोलियो की वैक्सीन का। पोलियो की वैक्सीन जब आई थी शुरू शुरू में एनिमल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, जानवरों में अच्छे दिए, ह्यूमंस में अच्छे दिए, उसके बाद फेज़ 2 में आके वो निपट गई। इनफैक्ट जब आप लिटरेचर चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि जैसे अभी कोविड-19 में नहीं लगे हैं जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ वैक्सीन, वैसे ही पोलियो में भी लगे हुए थे। और उस चक्कर में उनने क्या किया कि सारी फेजेस को उतने अच्छे से नहीं किया, जल्दी लाओ के चक्कर में उन्होंने जल्दी वैक्सीन को ले आया था और उसने बहुत सारे बच्चों को क्रिपल्ड कर दिया था। आप पोलियो के वैक्सीन की हिस्ट्री में ये पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फेज़ 2 पार नहीं करेगी तो हमको उसको अप्लाई नहीं करना है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन्स या ड्रग या फेलियर जो देखने मिलता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, वो फेज़ 2 में हमको सबसे ज़्यादा फेलियर देखने मिलता है। फेज़ 2 में सबसे ज़्यादा हमको फेलियर देखने मिलेगा। अब मान लो कि फेज़ 2 भी अच्छा हो गया, अच्छी एफिशिएंट हो गई, फेज़ 2 भी उसने पार कर लिया, उसके बाद आती है हमारी फेज़ 3। तो फेज़ 3 में क्या होता है? फेज़ 3 में फिर वही है कि हम पेशेंट्स में ही देंगे। फेज़ 3 में हम पेशेंट्स में ही देंगे, हम कंपेयर करेंगे कि भाई पुरानी ड्रग जो थी हमारी उसके मुकाबले नई ड्रग कितनी अच्छी है। तो हमारे पास फेज़ 2 में हमने देख लिया कि भाई ड्रग फेलियर नहीं हुआ है, रिजल्ट अच्छे शो किए हैं। तो फेज़ 3 में आके हम कंपेयर करते हैं कि पुरानी ड्रग के मुकाबले नई ड्रग कितनी अच्छी है। तो इसलिए हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, मुख्यतः हम फेज़ 3 में हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की तरह ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कंपेरिजन कर रहे हैं एक नई ड्रग का पुरानी ड्रग से। अब जब फेज़ 3 में भी अच्छा हो गया है, तब याद रखना कि इसके बाद ही हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। फेज़ 3 के बाद हम मार्केट में ड्रग को लॉन्च करते हैं। याद रखना कि आपको क्वेश्चन भी आता है कि किस किस फेज़ में ठीक होने के बाद या अच्छे रिजल्ट शो करने के बाद मार्केट में आएगी ड्रग, तो दैट इज़ फेज़ 3 के ख़त्म होने के बाद। याद कैसे करेंगे भाई, मैं तो ऐसे ही याद करता था। फेज़ 3 में अगर आपको अच्छे रिजल्ट दिए हैं तो आप मार्केट में लॉन्च करते हो। कैसे याद किया हमने? फेज़ 3 में, ये क्या है, थ्री, फेज़ 3 में अच्छे रिजल्ट आए तो आप मार्केट में लॉन्च करते हो, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो फेज़ 3 के अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं, आपको कंपेयर किया पुरानी ड्रग के मुकाबले अच्छी है, तो आपने उसको फेज़ 3 के बाद मार्केट में उसको लॉन्च कर दिया। मार्केट में आपने उसको लॉन्च कर दिया, नई नई वैक्सीन आई है, नए लोगों ने वैक्सीन ली या ड्रग ली। अब उसके बाद आता है फेज़ 4। फेज़ 4 को भी हम पेशेंट्स में ही कहेंगे। अब फेज़ 4 में ये करते हैं कि बहुत लंबे अंतराल तक वो दवाई चल रही है मार्केट में, लंबे समय से लोग ले रहे हैं, उसके बाद अगर कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट आना है तो वो हमको फेज़ 4 में मिल जाता है, या कोई बहुत लंबे समय तक एक वैक्सीन या नई दवाई को लेने से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आना है तो वो हमको फेज़ 4 में मिल जाता है। और इसीलिए लॉन्गेस्ट फेज़ होती है किसी भी ट्रायल की, क्योंकि इसमें हमको लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं, तो वो बहुत लंबे अंतराल तक इस्तेमाल करने के बाद मिलते हैं। और इसीलिए आपको याद रखना है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस हम किस में करते हैं, तो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस हम फेज़ 4 में करते हैं। पोस्ट मार्केटिंग कैसे याद करो, मार्केट में कब आई थी? मार्केट में आई थी 3 में, तो पोस्ट मार्केट किस में आएगी? पोस्ट मार्केट आएगी 4 में। तो कंफ्यूज मत होना, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस हम फेज़ 4 में करते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो क्लिनिकल फेज़ में, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में आपको पता होनी चाहिए। एक और छोटी सी चीज़ आपको याद होनी चाहिए वाइवा और पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ ट्रायल फॉर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। ट्रायल फॉर इफेक्टिवनेस का मतलब होता है आपने कोई नया इंटरवेंशन आया, कोई नया इंटरवेंशन या कोई नई वैक्सीन या कोई नई थेरेपी आई जिसको कि आप अप्लाई करोगे एक कम्युनिटी में, और उसके बाद उसको इवेल्युएट करोगे कि वो कितनी यूज़फुल है, उसको कहते हैं ट्रायल ऑफ इफेक्टिवनेस। ट्रायल ऑफ इफेक्टिवनेस क्या होती है कि अगर कोई नया इंटरवेंशन है तो उसको आप एक कम्युनिटी पे अप्लाई करते हो और फिर उसको इवेल्युएट करते हो कि वो कितनी इफेक्टिव या कितनी यूज़फुल है, उसी को कहते हैं ट्रायल फॉर इफेक्टिवनेस। तो इतनी चीज़ें हैं आपके क्लिनिकल ट्रायल्स में। अगर मैं बात करूं थ्योरी की, तो थ्योरी में आपको इस पे शॉर्ट नोट आता है या फिर आपको वेरी शॉर्ट नोट भी आ सकता है।
अगर मैं बात करूँ वाइवा में, तो वाइवा में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ इसकी फेजेज है वाइवा में, कि प्री क्लिनिकल फेज़ या जानवर किसमें होते हैं, क्लिनिकल फेज़ के कितनी फेजेज़ हैं, तो आपको याद रखना है कि 5 हैं, लेकिन 1 2 3 4 नहीं है, 0 1 2 3 4 है। उसके बाद वाइवा में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें वाइवा में पूछा जाता है हेल्दी ह्यूमंस कौन कौन सी फेजेज़ में लिए जाते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स फेज़ 0 और फेज़ 1 में लिए जाते हैं। आपसे वाइवा में पूछा जाता है भाई पेशेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं या कौन कौन सी फेज़ में पेशेंट पे करते हैं, फेज़ 3 4 फेज 2 3 4 में करते हैं। वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि एफिकेसी किसके किस फेज़ में करते हैं, तो चेक करते हैं या पर्पस जो है वो फेज़ 2 का है। मैक्सिमम ड्रग फेलियर किस में देखने मिलता है, ये भी वाइवा में पूछा जाता है। वाइवा में पूछा जाता है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज किस में देते हैं और माइक्रो डोज किस में देते हैं, ये सारे वाइवा के क्वेश्चन हैं। और पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस किस में करते हैं, फेज़ 4 में, और मार्केट में कब लॉन्च होती है, मार्केट में लॉन्च होती है फेज़ 3 के बाद, ये सारे वाइवा के क्वेश्चन हैं। अगर मैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यूज की बात करूं, तो जितने भी आपके अंडरलाइन पार्ट आपके नोट्स और इस पीपीटी में है, वो सारे वेरियस पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो एक सवाल ये भी आया था पेशेंट एक्टिव ओन कंट्रोल, ये आपको मिलेगा क्लिनिकल ट्रायल्स में। उसके अलावा आपसे एमसीक्यू ये भी पूछा गया था कि फेज़ 1 जो होता है वो हेल्दी ह्यूमन में किया जाता है, इसमें ये भी पूछा गया था कि सेफ्टी और नॉन टॉक्सिटी प्रोफाइल किस में चेक करते हैं, फेज़ 1 में। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पे भी एमसीक्यू आपको आया गया है, ये भी फेज़ 1 में। उसके अलावा आपको एमसीक्यू आया हुआ है, उसके अलावा जो आपको एमसीक्यू आया हुआ है वो है कि भाई फेज़ 3 की बात करें, तो फेज़ 3 में आपको एमसीक्यू आया हुआ है कि भाई कंपैरिजन अगर आपको करना है दो ड्रग का, तो किस में करोगे, फेज़ 3 में करोगे, आरसीटी की तरह कौन सा होता है, तो फेज़ 3 होता है। उसके अलावा एक और एमसीक्यू आपको आया हुआ है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस किस में करते हैं, तो फेज़ 4 में करते हैं। उसके अलावा आखिरी एमसीक्यू एक और जो मुझे मिला था, दैट वॉज ट्रायल फॉर इफेक्टिवनेस क्या होता है, तो वही कम्युनिटी पे के आप नए इंटरवेंशन को ट्राई करते हो उसकी यूजफुलनेस को एवेल्युएट करने के लिए। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको क्लिनिकल ट्रायल्स में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।